दोस्तों इस वक्त असी सारे डिबडिबा पिंड उत्तर प्रदेश तो चल के रुद्रपुर तो गाजीपुर बॉर्डर ते पहुंचे हुए हैं। मेरे पिछे तुसी गाजीपुर का स्टेज देख रहे हो। नवरीत सिंह की जिहड़ी शहादत हुई सी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड आले दिन, उस दिन तो लैके 15-18 दिन तो यह मुद्दा लगातार परिवार का सहयोग करने वास्ते वख-वख लोगों ने आवाज उठाई कि इस दे कतल की जांच होनी चाहिए तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने बड़ा आराम नाल कमिश्नर पुलिस ने बयान दे दिता कि इहदा जिहड़ा ट्रैक्टर पलटन दे नाल एक्सीडेंट दे नाल उहदी मौत हुई है और एक सीसीटीवी फुटेज लोगों की कचहरी में पेश करती। जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया मोदी साहब का पेड चैनल ने उन्होंने दुबारा दुबारा उसू दिखा के ए पेश किया जिवें कि एक एक्सीडेंट में मौत हुई होंगी। असलियत यह सी कि इससे पहला गोली मारी गई है और गोली वजन तो बाद उसका जिहड़ा ट्रैक्टर का कंट्रोल से जो उहदे हत्थों बाहर हो गया ट्रैक्टर पलट के बैरीकेड में बच के मौत हुई। यह अज स्टेज तो टिकैत साहब ने शायद उन्हों का कोई सहयोगी नौजवान से उसू पेश किया स्टेज के उत्ते जिहड़ा चशमदीद गवाह सीगा कि यह सारी जिहड़ा कांड है साडे सामने वापरिया। और गाजीपुर बॉर्डर ते क्योंकि नवरीत बैठा सी काफी अरसे तो इहदा परिवार भी इत्थे सीगा, हरदीप सिंह डिबडिबा इहदे दादा जी वह राजस्थान बॉर्डर ते बैठे सीगे। इस दे परिवार विचों एक नौजवान इहदे चाचे का पुत नक्शदीप सिंह वो इहदे नाल सीगा, उसने सारा घटनाक्रम देखिया और जिहड़ा परिवार ने भोग का इश्तहार छपाया उहदे च लिखिया वा कि साडे नवरीत नूं दिल्ली पुलिस की गोली दे नाल जिहड़ी इहदी मौत होई आ उहदा भोग फलानी 4 फरवरी नूं पाया जाएगा। जब परिवार कह रहे वा, लोग कह रहे आ, खलकत कह रही आ, ते कल्ली पुलिस दा एक कमिश्नर बयान दिंदा कि एक्सीडेंट होया वा। और मैं दिल्ली पुलिस नूं इह पुछना चाहुंदा कि नॉर्मल साधारण केसां विच जदों एक्सीडेंट हुंदा या कोई नैचुरल मौत भी हुंदी आ ते पुलिस दा फर्ज आ कि जिहड़ी धारा 174 आ उहदे तहत इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हुंदियां ने, उहदा पोस्टमार्टम हुंदा वा, उहदी तहकीकात हुंदी, FIR दर्ज कीती जांदी। पर इस केस विच कोई FIR नहीं, कोई केस नहीं, कोई DDR भी नहीं। इहदा मतलब है कि पुलिस जानबुझ के इस कतल नूं छुपा रही आ, दबा रही आ। और अज मैनूं खुशी इस गल दी होई आ कि सेज उपरों संयुक्त मोर्चे दे आगू आप अज हाजिर होए, जिहड़ा इंसाफ मार्च रुद्रपुर तों चलिया इत्थे पहुंचिया उन्होंने उस नूं प्रवान किया। इन्हां नूं अज नवरीत दी आत्मा नूं शांति मिली आ कि इस अंदोलन दे चलाउण वालिआं नूं उहनूं शहीद अपनाया वा। 17-18 दिन बाद देर आए दुरुस्त आए, अज उह कबूलिया गया, अज उह देश दा ते कौम दा एक शहीद नौजवान करार दिता गया। और इस दौरान हरदीप सिंह डिबडिबा ते असीं सब ने मिल के दिल्ली हाई कोर्ट दा दरवाजा भी खड़काया। 26 फरवरी नूं अगली डेट ते दिल्ली पुलिस सरकार नूं सारी CCTV फुटेज, सारा इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो तथ ने 26 जनवरी दे वह सारे पेश करन नूं अदालत ने कर दिते। वह एक कदम साडा उधर नूं भी वध्या। पर मैनूं दुख इस गल दा वा कि इस देश की BJP की सरकार जिहड़ा होम मिनिस्टर नित दिन छोटे छोटिया वारदातों के उत्ते इनकुआरियां दे हुक्म दिंदे, इन्हां नूं न्यायिक जांच दे हुक्म उदन देने चाहिए सी। लेकिन BJP की सरकार ने यह जानबुझ के बदलाखोरी की कार्रवाई च उल्टा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, UP बहुत सारे लोगों नूं FIR झूठे परचे दर्ज कर करके जेलों में सुट दिता। बहुत सारे लोग लापता ने। एक इलाही पिंड है एक खन्ने दे लागे, उहदा बुजुर्ग जोरावर सिंह 75 साल का अज तक नहीं लभ रहा। साडे कोल 23 आदमियों की लिस्ट है जिहड़े पता ही नहीं गा घरां चों अंदोलन में गए, 26 तरीक तो बाद लभे नहीं गए। इसलिए उन्होंने जिहड़ा यह कार्रवाई नहीं की, न्यायिक जांच नहीं की, इहदी निखेधी करदे आ। सानूं दुख इस गल का भी है कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की अगर वह चाहती, क्योंकि वाकयात ITO क्रॉसिंग में होया सीगा, अगर केजरीवाल चाहता उहदी उह जुडिशियल इनकुआरी न्यायिक जांच हुक्म दे सकता सी, लेकिन उसने भी नहीं किया। और हार के हुण फिर इस इंसाफ की लड़ाई नूं लोगों की कचहरी में रखा गया ते पहला कदम जिहड़ा साडा होया कि अज किसान अंदोलन ने उस नूं अपनाया वा। मैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। दूजी गल मैं अपने आगूआं नूं कहना चाहुंदा कि यह वक्त ना लड़न दा नहीं गा, यह वक्त हैगा इकट्ठे होण दा। कौन गदार कौन नहीं, यह बाद दीआं गल्लां ने। अगर दीप सिद्धू भी आ वह भी साडा ही बच्चा वा, अगर लखा सिदाणा वा वह किसी का भैण दा, किसी का भरा वा, किसी का पुत आ, वह पिछले कई महीनों तो अंदोलन में बैठे हुए ने। अज जे आपां उन्हां नूं चक के हवाले करता सरकार दे, उन्हां दे रहम ते छड़ता, वह कुचल देणगे, इन्हां नूं जानों भी मार सकते ने। इसलिए बच के आपां सारे करिए, आपां सब कट्ठे रहो। माड़ा मोटा डिफरेंस ऑफ ओपीनियन तां हर एक परिवार विच भी हुंदा वा,
जे कोई 19-21 हो भी गया वा ते पहला बिना सबूतां तो गदार 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 कहना वाजिब नहीं गा। उहदे नाल अपना मोर्चा कमजोर हुंदा और मैं समझदा कि गाजीपुर तो जे उदन राकेश टिकैत कमांड ना संभालदे तो शायद अज दिन किसान अंदोलन का होर होना सीगा। इसलिए मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। एक गल खीर च कह के मैं वाइंड अप करदा कि 26 जनवरी नूं सारे देश दे चैनलों ने सारे बीजेपी दे आगुआं ने सारे कम्यूनल लोगों ने फिरका प्रस्त लोगों ने ए पेश किया कि जिदा बहुत वड्डा नुकसान हो गया, हमला हो गया देश की राजधानी ते, तिरंगे का अपमान हो गया। तिरंगा तो अज भी खड़ा वा रेड फोर्ट दे उत्ते, लाल किले दे उत्ते, एक निशान साहब खाली पोल दे उत्ते ते एक किसान का झंडा लाता नौजवानों ने किड्डा वड्डा गुनाह कर दिता वा। यही निशान साहब के तहत केरला विच लंगर चलता, उत्तराखंड च बाढ़ आई है हुणे उत्थे खालसा एड इसे झंडे के थले निशान साहब के थले लंगर वरता रहे आ। दुनिया भर में जिथे करोपी आउंदी आ जिथे रिफ्यूजी हुंदे ने इन्हां सारयां दी सहायता कौन करदा? यह निशान, यह निशान साहब की आ? निशान साहब गुरुद्वारा साहब के उत्ते एक चिन्ह आ कि जिस किसी मजलूम किसी बेसहारा किसी राहगीर नूं किसी राजन नूं हिफाजत की शरण की लंगर की लोड़ आ छत की लोड़ आ इत्थे आ जावे ते किड्डा कु वड्डा गुनाह वा। नहीं जी, ये तो खालिस्तानी झंडा वा। जिहड़े कमलियां नूं पढ़े लिखे मूर्खां नूं ये नहीं पता कि किसान निशान साहब का जिहड़ा झंडा वह खालिस्तान के झंडे नाल जोड़ी जांदे आ। इदां ही हर हरे झंडे नूं चक के पाकिस्तान नाल जोड़ी जांदे ने। नफरत असल कोई फैला रहा तां बीजेपी की सरकार, इन्हां दे टाउट, इन्हां दे पहाड़े दे टट्टू जिन्हां ने जाके साडे अंदोलन नूं खदेड़न की कोशिश की, सिंघी सिंघू ते कुंडली बॉर्डर विच जाके हुल्लड़बाजी की ताकि इस सारे अंदोलन नूं धर्मां दी लड़ाई बना दित्ती जावे। पर फिर मैं कहना चाहुंदा बहादुर लोग ने इस देश दे, हरियाणे दे साडे जाट वीर, साडे वैस्टर्न यूपी दे सारे जाट गुज्जर मुसलमान सारियां बरादरियां ने यह सारी गल नूं छिक्के ते टंग के नकार दिता। तो मैं अपने अंदोलन के संचालकां नूं कहिंदा कि 26 वाले घटना क्रम तो डरो ना, उल्टा नवरीत का इंसाफ मंगो। साडे किसी व्यक्ति ने किसी बस नूं अग नहीं लाई, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी नूं डैमेज नहीं किया, किसी बंदे का कतल नहीं किया, किसी दे सट नहीं मारी। उल्टा साडा बच्चा मरिया नवरीत सिंह जिहड़ा अज इत्थे इंसाफ मार्च लैके, उहदी जांच तुसीं मंगो। अंग्रेजी च कहिंदे उहने फ्रंट फुट ते खेडो, मोहरे आण के अग्रैसिवली सरकार नूं इस कचहरी विच लैके आओ ते इस इंसाफ की लड़ाई नूं आपां अगले पड़ाव विच लैके जावांगे। आने वाले दिनां च पंजाब च असीं इहदे श्रद्धांजलि समागम रख रहे हां, 15 तरीक नूं नवां शहर च, 16 नूं मेरे अपने हल्के भलत विच नडाले दे गुरुद्वारा साहब विच इसका श्रद्धांजलि अते इंसाफ समारोह जिहड़ा किया जा रहा। मैं सारे पंजाब दे लोकां नूं करांगा कि एक बार अपने अपने पिंडां च गुरुद्वारियां च भावां परिवार आ सकदा या नहीं आ सकदा, इहदी आत्मक शांति लई तुसीं वी उत्थे अपने समारोह कराओ। साडा प्रणाम 225 शहीदां नूं जिहड़े अपने घरां चों आण के किसान अंदोलन च मरे ने, उहनां अगे वी साडा सिर झुकदा। पर इस बच्चे का चले जाना एक की कहिंदे आ कि उह सानूं राह दिखा के गया वा, जिद्दां हरदीप सिंह डिबडिबा ने कहा कि उह एक नौजवानां नूं एक चानण मुनियारे की तरह एक राह दिखा के गया। उहदे वास्ते हुण सारे नवरीत ने, आओ आपां सारे रल मिल के इस इंसाफ की लड़ाई नूं अगे भी लैके चलीए ते उस वाहिगुरू ते परमात्मा दे चरणां च अरदास करिए कि साडा अंदोलन कामयाब होवे ते साडे पंजाब दे लोक, हरियाणे दे लोक, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान सारे इत्थों जित हासिल करके अपने घरां नूं जाण। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया जिन्ने तुसीं आए वी हो इस इंसाफ मार्च विच, तुहाडा वी सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया। फतेह बुला लिओ प्यार नाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।